कल हम लोग एन प्लस एल वैल्यू देखे थे और एनर्जी ऑर्डर भी देखे थे। तो एनर्जी ऑर्डर याद रखने के लिए एक ट्रिक नोट कर लो, अभी बता रहे हैं, पहले देख लेना फिर नोट करना। फर्स्ट ऑर्बिट में कौन कौन से सबसेल होते हैं? वन एस। सेकेंड ऑर्बिट में कौन कौन से सेल होते हैं? SP, टू। थर्ड ऑर्बिट में कौन कौन से सेल होते हैं? SP, और थ्री डी। फोर में? 4F, 4P, 4C, सॉरी 4D एंड 4। फोर एफ। जाके एक सीक्वेंस रखना, ठीक है ना, ये नीचे और ये गैप को भी मेंटेन रखना। तो डायग्राम जो हम अभी बनाने वाले हैं ठीक, वो अच्छा दिखेगा कॉपी में। 5S, 5P, 5D, 5S, उसके बाद 5C, एन इक्वल टू 6 में, 6S, 6P, 6D, 6S, 6G, 6H, उसके बाद एन इक्वल टू 7S, 7P, 7D। तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाता है भाई? वन है। 1s। 1s के बाद किस में जाता है? टू एस, टू पी। इस तरह से लाइन खींचते ना। बीच में एक और लगेगा। ये याद रखने के लिए ठीक है पहले, और फिर उसके बाद भूल जाना। ये स्कूल के एग्जाम में बनाने में अच्छा लगता है, पेज भरता है, ठीक है ना। इतना याद रखने का जरूरत नहीं है क्योंकि हमको एन प्लस से रूल आता है वैल्यू कैलकुलेट करना, जिनको नहीं आता उनके लिए है भाई। तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? 1s में। 1s के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? 2s। 2 के बाद कहाँ जाता है भाई? 1s टू के पी बाद 2s। 2s के बाद इलेक्ट्रॉन 3s। 3s में कहाँ से? यही पढ़ाया हमने। तो टू पी सर, टू पी में आता टू पी। रुको लाइन गलत ना, रुको रुको लाइन गलत हो गया। 2p, 2s, अच्छा 1s के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? 2s। 2s के बाद कहाँ जाता है? 2p। 2 के बाद कहाँ जाता है? 3s। 3 के बाद कहाँ जाता है भाई? 3p। 3p के बाद कहाँ जाता है? 4s। 4s के बाद कहाँ जाता है? 3D। 3d में। 3d के बाद कहाँ जाता है? 4p। 4p के 4P, बाद कहाँ जाता है? 5s। 5, 5 के बाद जाएगा 4D में। 4D के बाद 4P, 6S, 6S के बाद 4S, 5D, 6P, 7S, इस तरह से। इसको इतना पा लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना तो भी चलेगा, इस तरह से तो याद रखा जा सकता है इसको, ठीक है ना। तो पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? 1s। 1s मतलब एनर्जी 1s का क्या होगा? कम। 1s के बाद 2s, 2p, 3s, 3p, उसके बाद 4s, 3d, यही चलता था ना। तो आपको बस इतना ही तक याद रखना है, क्लियर है। तो ये याद रखने का ट्रिक है, जो काम का है भी नहीं भी, आपको बस 3D तक याद रखना, उतने में हमारा काम हो जाएगा आगे। जिनको ये थोड़ा स्कूल में पूछ लेते हैं एन प्लस एड रूल, तो बताने में अच्छा लगता है, एक पेज का आंसर लिखने में, बनाने में थोड़ा सा। तो कैसे बनाया, क्लियर है ना भाई? पहले मैंने 1s, फर्स्ट ऑर्बिट में कितने कितने सबसेल हैं, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव, सिक्स, सेवन लिख दिया। उसके बाद एक लाइन ऊपर, एक लाइन नीचे, बीच में एक और लाइन। तो अगर गैप अगर अच्छे से मेंटेन करके रखते हो तो अच्छे से दिखेगा डायग्राम, नहीं तो फिर एक ही में पूरा मर्ज। नोट कर लो,
तो एन प्लस एल रूल क्या कहता है भाई, हाई वैल्यू एन प्लस एल तो एनर्जी हाई, लो तो एनर्जी लो, और इलेक्ट्रॉन पहले लिस्ट एन प्लस एल वैल्यू कंटेनिंग सब सेल में जाएगा, उसके बाद हाई। अगर एन का वैल्यू सेम है तब एन के अकॉर्डिंग देखेंगे, एन प्लस एल का वैल्यू सेम है सर। तो कल जो मैंने ऑर्डर बताया था इसी को इस फॉर्म में नोट कर लो। हाँ बेटा, कॉपी में नोट करना पड़ेगा कि ये सब डायग्राम। हाँ आराम से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जगह छोड़ दो, नोट कर लेना, बुक में भी दिया रहता है। देखो कुछ खास यूज नहीं है, बस जो ऑर्डर हम लोग एन प्लस एल के वैल्यू से निकालते थे, एन प्लस एल का वैल्यू कैलकुलेट करने के बजाय ये याद रख लो, अगर याद होता है तो। हमको तो आज तक याद नहीं हुआ सर। इसके बाद लास्ट की टॉपिक में क्वांटम वाला। क्वांटम वाला फिर लास्ट टॉपिक है। जल्दी से नोट कर लो, ये बोर्ड एग्जाम में लिखने में अच्छा दिखता है। नहीं दिख रहा है, एक काला टीका लगा देते नजर न लगे। सर हमको भी लगाना है क्या? नहीं नहीं, एक काम करना, कॉपी क्या ऊपर लगा जरा काला टिक्का, पूरी कॉपी को नजर नहीं लगी। हाँ देखो, 10 जगह टिक्का लगाने से अच्छा कॉपी पे लगा दो, ये हुई बात। नोट करो चलो जल्दी। सर पूरे एग्जाम में आएगा ना अगर क्या? आपकी मर्जी, नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं कटने वाला, ठीक है ना? कई लोग होता है ना दिखाने के लिए, अरे मैंने एक एक पेज का आंसर, एक ही क्वेश्चन अगर मालूम है तुमको अबाउ रूल, बहुत सारे क्वेश्चन में, तो इसके साथ टाइम पास कर सकते हो डायग्राम बना के। ओके सर। ऐसा कोई यूज, ठीक है ना, कोई यूज है नहीं है, क्योंकि आपको याद रखना है भैया एन प्लस एल कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो याद होना चाहिए। ट्रिक से याद करने से कोई मतलब है नहीं, याद कर लोगे तो अच्छी बात है, यूज कर सकते हो, लेकिन बेफालतू का कहा सर दर्दी पारो, जब हमको एन प्लस एल कैलकुलेट करने आता है तो। सर ये ट्रिक थोड़ी हुई, हुआ ना भाई, तुमको एन प्लस एल निकाल, एन प्लस एल निकाले तुम, नहीं ना सर, इसमें ज्यादा टाइम जा रहा ना। हाँ अब ये ट्रिक अच्छा नहीं, इसलिए टाइम ज्यादा लग रहा है। नोट कर लो चलो, यही नहीं बता रहे थे तो कई स्टूडेंट बोलते सर आपने तो ये बताया नहीं, बुक में दिया था ऐसा। जीविदा क्लास में इतना लेट कैसे आए तुम? सर इंटरनेट कनेक्शन के वजह से खत्म हो गया इसलिए। तो पड़ोसी से लेके आए, पड़ोसी के आ गए भैया तो एमबी का नेट दे देना करके। भाई दे रहा है अभी। चलो ठीक है सर, ये सब नोट करना है। हाँ कर लो, कुछ काम का नहीं है, बस दिखाने के लिए, ऐसा भी याद रख सकते हो, यो कुछ भी नहीं होने वाला इस डायग्राम का, ठीक है ना? बस ऑर्डर याद रखने के सिवाय और कुछ यूज नहीं है, और ऑर्डर आप एन प्लस एल का वैल्यू निकाल के याद रख सकते हो। यहाँ तक नोट कर लिए सब? yes, चलो देखो अब आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन इससे हो जाएगा। अब ये ध्यान देना ना यहाँ पे जो अब बताने वाले हैं, उसके पहले फिर से एक चीज और रिवाइज कर लेते हैं, कई लोगों को याद हो तो अच्छी बात है, जिनको याद नहीं हो फिर से याद कर लो। हमारे पास सबसेल कौन है? एस पी डी एफ, यही काम आने वाले हैं, ठीक है ना, इन्हीं को याद रखना है। सबसेल है एस पी डी एफ, ऑर्बिटल कितने है इसमें, है इसमें One. Very good. उसके बाद थ्री फाइव सेवन, क्लियर है? 1, 3, 5, 7 ऑर्बिटल के बाद, ऑर्बिटल मतलब बॉक्स होता है, ठीक है ना,
इसके अंदर तीन बॉक्स होंगे, हम लोग ऑर्बिटल को बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। और कई बार तो मैं तो लाइन ही बस ऐसा कर दूंगा, तीन ऑर्बिटल तीन लाइन खींच देंगे बाद में, लेकिन यहाँ पे कितने 7। और एक हर एक ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं भाई? 2, 6, 10, 14 2, ठीक है ना। और तो एस में एक ऑर्बिटल है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एस में कितने आएंगे भाई? 2 2, यहाँ पे 6, 10, 14 कितने इतने याद रहेगा? याद रखना है इसको, हर एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने ऑर्बिटल यहाँ पे? 1, 3, 5, 7, तो 1 का डबल 2, 3 का डबल 6, 5 का डबल 10, 7 का डबल 14, इतने याद रखो। अब उसके बाद क्वेश्चन, राइट द एक बार फिर से बताइए ना प्लीज। इसको बेटा इसको याद रखना है यार, एस के अंदर एक ऑर्बिटल होता है, पी के 3, डी में 5, एफ में 7, और हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। एक घर में 2 लोग रह रहे हैं तो 7 घर में कितने लोग रहेंगे? 14 नोट कर लो जल्दी, इसको एकदम रटा होना चाहिए ये चीजें। नोट कर लिए सर? यस सर। तो सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? सोडियम का है सर 11। तो बचपन में करते थे क्या 2, 8, 1 ऐसा लिखते थे? यस सर। तो ये बच्चा वाला था। और ऑर्बिटल वाला अगर एटम का स्ट्रक्चर बनाते थे तो 1 सेल 2 सेल और ये 3 सेल ऐसे ही करते थे। यहाँ पे 2, 8, 1 ऐसा कुछ बनाते थे? यस सर। यस सर। ये बचपन वाला था। अब ये 2 किसमें है हमको ऑर्डर क्या मालूम? हमको ये रटा होना चाहिए 1s, 1s का इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? 2s, 2s के बाद 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, बस यहाँ तक, यहाँ तक अभी याद रखना फिलहाल। ये याद रहेगा यहाँ तक? याद रहेगा कि नहीं रहेगा भाई? यस सर रहेगा। इसको 2-4 बार नोट करोगे तो हो जाएगा। तो ये सोडियम में फर्स्ट ऑर्बिट n1, उसके बाद सेकेंड ऑर्बिट, उसके बाद थर्ड ऑर्बिट n3। इसको क्या बोलते थे? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 8, यहाँ पे 1। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किस में जाता है पहले? S में। ये 8 इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ होगा? S और P में, और ये 3s। तो S में कितने इलेक्ट्रॉन जाएगा बोलो? यहाँ पे 2 था ना, तो पूरा S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2। यस सर। यहाँ पे जो 8 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे जो 8 इलेक्ट्रॉन है वो किसमें है? S में भी है और P में भी है। हाँ, में कितना है? 6, तभी तो 8 होगा ना। एस में मैक्सिमम कितना जाएगा? 2, और पी में मैक्सिमम कितना जाएगा? 6, 8 ज्यादा है लिखा हुआ, और एक ठीक है, 6 से ज्यादा नहीं। एस में मैक्सिमम कितना भेज सकते हैं? 2, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन, तो वही लिखा। इसमें मैक्सिमम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो ये याद रखना है। तो हम लोग जो पहले 2, 8, 1 लिखते थे, एक्चुअल में वो क्या था? 2, 2 इस तरह से था, पहले 2, 8, 1 लिखते थे, सॉरी 6, 1। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2, 2, 4, 2,
और छह कितना गया 10 और एक 11। तो पहले हम 281 लिख देते थे, आप किसके टर्म में लिखना है 1s 2s 2p 3s के टर्म में, समझ में आया हमको किसके टर्म में लिखना है 1s। तो अब ये सब भूल जाओ, अब सीधा सा सिंपल सब देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमको क्या करना है, सब में 1s लिखो 2s 2s के बाद कहाँ जाएगा इलेक्ट्रॉन, कहाँ जाएगा बोलो जल्दी, 2p के बाद yes, 3s के बाद 3p उसके बाद 4s और 3d। तो ठीक है ना, अबाव का रूल अप्लाई करना था, अबाव क्या बोलता है ये मंदिर से, मतलब अबाव क्या होता है, अबाव के अकॉर्डिंग एलिमेंट मंदिर गए, मंदिर में नहाए धोए, मतलब घर से नहा धो के गए मंदिर में पूजा करने, पूजा करके बाहर आए तो ये भिखारियों का लाइन लगा हुआ है। तो पहला गरीब कौन, 1s को कितने रुपए चाहिए, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, मैक्सिमम 2, ठीक है ना, 1 नहीं, सुन लो इधर, सुन लो पहले, कोई बोलेगा नहीं, जब तक तुम्हारे पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन देने का एबिलिटी है, मतलब 11 है तो 11 में से 2 रुपए देना है तो मतलब देना ही इसको, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन देना है। उसके बाद अगर तुम्हारे पास एस में 2 इलेक्ट्रॉन देने का एबिलिटी है, मतलब है तुम्हारे पास, जब तक एस को कोई 2 इलेक्ट्रॉन नहीं दोगे तो वो जाने नहीं देगा भाई, इसको मैक्सिमम 2 चाहिए, मतलब 2 चाहिए अगर है तुम्हारे पास तो तुमको देना ही पड़ेगा, ये नहीं कि इधर एक बार तो सर इधर बाकी इधर बांटेंगे, ऐसा नहीं। तो आपके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 11, 11 में से 2 किस पे खर्च कर दोगे, 1s पे, 1s पर। बचा कितना, कितना बचा, 9 में से इसमें 2 खर्च हो सकता है, हो सकता है ना, दे सकते हो, ऐसा नहीं कि 1 दे के आगे चल जाओगे। तो पहले क्या दोगे, 2, अब कितना बचा, 7, 7 में से p को मैक्सिमम कितना देना है, 6, दे सकते हो, 1 बचा, 6, उसके बाद 1, इसके बाद नहीं है इधर तो 0, 0, 0 या मत लिखो, वो भी चलेगा। तो इस तरह से अगर मैं बात करूं क्लोरीन का एटॉमिक नंबर बोलो, 17। तो फिर से वैसे लिखो 1s 2s 2p 3s 3p। कई लोग बोलने वाले हैं सर समझ नहीं आ रहा, बेटा सब समझ में आएगा, ध्यान दो बिल्कुल, कुछ बड़ी चीज नहीं है, ये 2 रुपया लेगा, p वाला 6 रुपया लेगा, d वाला 10 रुपया लेगा, ये याद होना चाहिए, बस बांटना तो है बस लोगों को। एस को मैक्सिमम कितने रुपए दे सकते हो, 2 रुपए है तुम्हारे पास, 2, फिर एस वाला आ गया तो कितना रुपए दे सकते हो मैक्सिमम, 2, तो दे दो 2, ठीक है ना, 6 वाले को, 6, फिर से एस आ गया तो 6, नहीं 2, एस वाले को सिर्फ 2 दे सकते हो, एस में कहां से 6 आएगा। बच्चा कितना देख लो सर, वो सर 5 बच्चा, 5 बच्चा, 5 बच्चा, तो पी वाले को 5 वाले को 5 दोगे, 5 दोगे चलेगा, लेकिन तुम्हारे पास 7 इलेक्ट्रॉन और पी आ रहा है तो आपको उसको 6 देना कंपलसरी है, ठीक है ना, यस सर, 5 दोगे चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पास है नहीं, बोलेगा ठीक है भाई तू जा करके, लेकिन अगर है तो तुमको देना ही पड़ेगा, नहीं तो पी वाला जाने नहीं देगा, पाप पकड़ के बैठ जाएगा वहीं पे, भाई तू देगा तभी जाने देंगे, थोड़े स्टैंडर्ड क्वालिटी वाले भिखारी हैं ना। तो अबाव रूल कहता है मंदिर के बाहर जो भिखारी पड़े हो ना, 1s 2s 2p 3s 3p 4s, इनको पहले दान पुण्य किसके हिसाब से करना है, एस वाले को मैक्सिमम 2, पी वाले को मैक्सिमम 6, डी वाले को मैक्सिमम 10 और एफ वाले को मैक्सिमम 14। इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते, मतलब इससे ज्यादा पैसा या रुपया नहीं दे सकते, क्लियर है। चलो और कोई एलिमेंट बताओ 30 तक, 30 तक के सर, सर कैल्शियम लेते क्या, कैल्शियम ले लो, ले लो भैया, कैल्शियम की कमी है हमको, ले लो 20, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, उसको वहीं तक जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा, 4s भी नहीं जाएगा, यहीं पर खत्म हो जाएगा, बताओ सर, हाँ 4s तो जाएगा ही भाई, बोलो जल्दी क्या क्या है, 4s तक ही जाएगा, 1s को 2 देंगे, 2 2 6 2 2 6 2 2 6 5 6 2 6 2, हो गया 20 सर, कोबाल्ट जी सर, आज हो गया 20 सर, जिंक
जिंक जिंक ले लेते हैं तो जिंक का है एटॉमिक नंबर 13 देखो 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d यहाँ तक मैं कंप्लीट 30 तक मैं यहाँ तक हो जाता है इसलिए मैं बोल रहा हूँ 1s से 3d तक याद रखो सीक्वेंस तो अब कोई नहीं बोलेगा देखो हम बोल रहे हैं सुनो बस एस में मैक्सिमम 2 पी में 6 2 10 देखो 30 आ गया हाँ सर आ गया 2 2 4 6 10 इधर भी 10 और 10 3 क्लियर है ब्लर है अब तुम लोग ठीक है नोट करो जल्दी नोट कर लो जल्दी से उसे सीए और जिंक का भी लिखना है ना हमें नोट करोगे इसका भी तुम लोग खुद किसी को तकलीफ है तो बताओ भाई सर हमसे तो हो ही नहीं रहा कुछ समझ नहीं आ रहा है पहले इसको याद रख लो नोट वाला उसको याद नहीं रखोगे तो सही में तकलीफ होगा हो गया सर सब कोई नोट कर लिया इधर का यस सर पूरा लिख लिया तो चलो अब नोट करो पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट 1 to 30 तक हाइड्रोजन से लेकर सोडियम यहाँ पे है सबके आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका नोट करो सर बेटा बोलो जैसे हमने अभी किया वैसे ही करना है हाँ 1s 1s 2s उस फॉर्म में ठीक है ना होमवर्क दे दिए यस सर होमवर्क दे दो ये होमवर्क रहेगा ठीक है नो सर यहीं पे करते हैं देखो होमवर्क नहीं करना है घर में मेहनत ज्यादा पड़ जाएगा यस सर अच्छा होमवर्क ही रहेगा दो चार को हम एक्सप्लेन करेंगे बस
ताकि जो इनका छोटा हुआ है, जिनको थोड़ा तकलीफ हो रहा है, उनको क्लियर हो जाए। सोडियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम मैग्नीशियम के बाद क्या होगा, बेरिलियम बोरॉन एल्युमिनियम कार्बन सिलिकॉन नाइट्रोजन सल्फर क्लोरीन क्लोरीन आर्गन लिथियम पोटेशियम कैल्शियम स्कैंडियम टाइटेनियम वो 23 तक ही लिखे हैं, पूरा करना है आपको। जो सीरियल नंबर है वही उसका एटॉमिक नंबर है, ठीक है ना? यस सर। ये होमवर्क ही रहेगा, बताओ इसमें से किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसको समझ में नहीं आया भाई पूछ सकता है, ऐसा नहीं है कि सर सबको समझ में आ गया शायद हम नहीं पूछेंगे, हमको डर लग रहा है, बाकी लोग क्या सकते हैं, सबको क्लियर है? हाँ सर। यस सर क्लियर है। यस सर क्लियर है। स्केडियम पर मैं बना देता हूँ, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। तो कहाँ इलेक्ट्रॉन जाएगा? s में 2 6 2 6 2। कितना बचेगा? एक बचेगा, 20 हो गया ना, तो d में कितना जाएगा? 1। क्लियर है? बना लोगे इस तरह से सब? यस सर। इसको 30 तक कंप्लीट कर लेना, ठीक है ना? ओके सर। ओके सर। बाय सर। होमवर्क रहेगा ये। अरे अभी कहाँ से बाय, क्लास कंप्लीट हो गया क्या? नहीं सर। भगा देते हैं सुपर टीचर। नो सर। इसको बाय कर देते हैं हम लोग, ठीक है ना? नो सर, मुझे लगता है आपने आज ढेर सारा होमवर्क दिया था, हमको जल्दी छुट्टी मिलेगी। अच्छा, किस चीज की छुट्टी जल्दी मिलेगा? आज हमारा बर्थडे है तो हम लोग बहुत सारा हो गया ना। नहीं सर, आज पबजी बैन हो गया ना। अरे मेरा तो स्टार्ट हो रहा है सर, पबजी बैन हो गया ना, स्टार्ट हो रहा है। हाल तो बातें नहीं क्लास में। नहीं सर, बैन नहीं हो मेरा स्टार्ट। नेक्स्ट आपका लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, नोट करना उसमें। लेफ्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुंड्स रूल, कंट्रोल ऑफ पूरा कंप्लीट है इसका, मैक्सिमम मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी। कंट्रोल ऑफ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी या शॉर्ट में हुंड्स रूल भी बोल देते हैं, ठीक है ना? बट पूरा कंप्लीट नाम है इसका, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम ब्लर मल्टीप्लिसिटी। ब्लर हो रहा है? यस सर। आप हाँ सर, थोड़ा सा ब्लर हो रहा है। क्लियर हो जाएगा और नेटवर्क कम ज्यादा। मेरा क्लियर है सर। नहीं, वो कम ज्यादा होते रहता है, नेटवर्क तो होता है। हेडिंग नोट तो सुनाई तो दे रहा है ना, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी। हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी।
हेडिंग नोट कर लिया सर? यस तो अबारुल हमको क्या बताता है भाई, इलेक्ट्रॉन फिल करने का पैटर्न किसमें? इन सब सेल। अब सब सेल के अंदर क्या होते हैं भाई? ऑर्बिटर। अबाउ ने हमको बताया इलेक्ट्रॉन फिल करना किसमें? इन सब सेल। अब सब सेल के अंदर क्या होते हैं भाई? ऑर्बिटल। ऑर्बिटल सब सेल के अंदर क्या होते हैं? ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होते हैं वो कौन बताएगा? हुंस रूल। हुंस रूल क्या बताएगा? इलेक्ट्रॉन फिल करना इन ऑर्बिटल, ठीक है ना। तो अबारुल बताता है इलेक्ट्रॉन सबसेल में कैसे फिल होते हैं, और हुंस बताता है उस सबसेल के अंदर जो ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होता है। क्लियर है सर? अभी तो बताया दो दो के इसमें होते हैं। क्या बेटा? सर अभी आपने बोले थे ना इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में दो, वन बॉक्स में दो होते हैं। हाँ तो वही बताएगा, वो दो होते हैं उसका रीजन आपको पॉली में पता चलेगा जो थर्ड है। पूरे एक सबसेल में जितने ऑर्बिटल हैं उनमें कैसे इलेक्ट्रॉन फिल करना है, पी सबसेल में कैसे फिल करना है, डी में कैसे करना है, ये हुंस रूल। एक ऑर्बिटल में सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन क्यों रहता है वो आपको पॉली रूल बताएगा, और वो अच्छे से क्लियर होगा क्वांटम नंबर में। तो अभी धीरे धीरे सीखेंगे भाई, एक ही बार में नहीं, पहले अभी हुंस रूल का समय आया है, पहले वो सीख लेते हैं। तो भैया देखो यहाँ पे, तो पहले पता होना चाहिए सबसेल के बारे में, कौन कौन से सबसेल है हमारे पास? SPDF. बाद में करूंगा। SPDF इतना तो याद रह सकता है ना, जी भी होता है, एचआई होता है, लेकिन आपको क्या रखना है? SPDF याद रहेगा कि नहीं रहेगा? yes, भूलते तो नहीं ना, पावर रेंजर आता था ना, SPD पावर रेंजर याद होगा? आता है। तुम लोग शायद देखे होगे कि नहीं देखे होगे, पता नहीं। देखा है सर। सर मुझे रेड वाला पसंद था। रेड रेंजर तो सबको पसंद आता है। रेड रेंजर सबको पसंद। ठीक है चलो वापस आ जाओ पावर रेंजर में। पता चला कई लोग अपने आप को मौत करना स्टार्ट कर दिया। तो ऑर्बिटल एस में कितने बॉक्स हैं भाई? टू। वन। टू बोल रहा है, जज्बाती हो गया। पी में? थ्री। डी में? फाइव। हुंस रूल से पहले? फाइव। हाँ फाइव। लास्ट में सेवन। अब चुप हो जाओगे बिल्कुल। हुंस रूल के लिए पहले इतना पता होना चाहिए, मैं बार बार बता दे रहा हूँ, फिर एक बार और बता दीजिए भाई। ये मत बोलना सर ये कहाँ से आया, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। एक ऑर्बिटल क्यों है, तीन क्यों है, फाइव क्यों है, सेवन, ये सब क्वांटम नंबर से पता चलेगा, अभी याद रखना है। हाँ बेटा बोलो। सर जो आपने नोट करवाया था वो हुंस रूल था? क्या था जो आपने नोट करवाया था? हाँ वो हुंस रूल पे बेस्ड था ना। बस पागल, वो अबाउ रूल का पढ़ रहे थे, अभी हुंस रूल का भी स्टार्ट हुआ है। तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ठीक है ना। हुंस रूल अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, स्टार्ट होने से पहले ये पता होना चाहिए, बार बार इसलिए बता रहे हैं ताकि सबको दिमाग में बैठ जाए। तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन? दो। दो इलेक्ट्रॉन को देखो, इलेक्ट्रॉन के यहाँ पे ए नहीं लिखूंगा मैं, इलेक्ट्रॉन के यहाँ पे ऐसा लाइन बताऊंगा जिसको बोला जाता है क्लॉकवाइज, ये क्वांटम नंबर से लिया गया, ठीक है ना। क्वांटम नंबर आएगा आगे, अभी बस क्या रखो, अगर ऐसा सिंबल बनाया हूं, ए हाफ एरो, ये हाफ एरो, अप हाफ एरो, ये डाउन, तो उसे हम लोग बोलते हैं एंटी क्लॉक, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है, तो घूमना कैसा होगा भाई? इधर से सर ऐसे घूम रहा है, तो इसको हम लोग कौन सा बोलेंगे पैटर्न? क्लॉकवाइज। तो इलेक्ट्रॉन ऐसा घूम सकता है या फिर उल्टा घूम सकता है, ठीक है ना। तो उल्टा घूमा तो उसे क्या बोलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह से घूमा तो ये सिंबल, उल्टा घूम रहा है तो ये सिंबल, क्लियर है। तो इलेक्ट्रॉन रोटेट होता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज के लिए ये सिंबल यूज होता है, एंटी क्लॉकवाइज के लिए ये। तो हुंस रूल कहता है
हॉर्न्स रूल कहता है ये एक बॉक्स में दो इलेक्ट्रॉन है, ये पॉली कहता है। हॉर्न्स रूल कहता है जैसे पी की बात करूं, पी में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम? पी में आ सकते हैं 6 आ सकते हैं। लेकिन हॉर्न्स रूल क्या कहता है, पहले 6 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फाइव सिक्स ऐसे फिल करोगे तो इनकरेक्ट हो जाएगा। लिख देता हूँ, फर्स्ट सेकेंड यहीं पे, थर्ड फोर्थ फाइव सिक्स ऐसे सबसेल में इलेक्ट्रॉन फिल करोगे सबसेल का ऑर्बिटल में, ये पैटर्न गलत हो जाएगा। और क्या क्या पैटर्न बन सकता है बताओ इलेक्ट्रॉन फिल करने का? पहला यहाँ, सेकेंड यहाँ, थर्ड फोर्थ फाइव सिक्स, ये पैटर्न करेक्ट होगा। मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, उसके बाद फोर्थ नंबर का, फिफ्थ नंबर का, सिक्स नंबर, ये पैटर्न भी करेक्ट होगा। उसके बाद और कौन कौन से पैटर्न हो सकते हैं बताओ? उल्टा इलेक्ट्रॉन, हाँ स्पिन, साइन को चेंज कर दो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फोर्थ वाला, फिफ्थ वाला, सिक्स वाला, ये भी पैटर्न फोन के अकॉर्डिंग करेक्ट होगा। बॉक्स बनाना चाहते हो तो बॉक्स बना लो, ठीक है, ये भी पैटर्न हॉर्न्स के अकॉर्डिंग क्या होगा, करेक्ट होगा। और क्या क्या पैटर्न हो सकता है बताओ? वन टू थ्री, फर्स्ट सेकेंड, नहीं पहले इसे उल्टा एरो बनाते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है, फोर्थ फाइव सिक्स, ये भी पैटर्न क्या होगा, ऐसा ऐसा तो होता नहीं ना, ये भी पैटर्न क्या होगा, करेक्ट होगा, ऐसा हॉर्न्स बोलते हैं। किसी को स्टेटमेंट बोलते हैं। तो एक सबसेल है, सबसेल के अंदर कितने ऑर्बिटल हैं? ध्यान देना स्टेटमेंट पे, बातों का अगर ध्यान से नहीं सुनोगे तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। एक सबसेल में कितने ऑर्बिटल हैं? सर एक पी वाले सबसेल में बोल रहा हूँ, पी सबसेल में कितने ऑर्बिटल हैं? तीन। तो देखो मैंने कौन कौन सा पैटर्न गलत किया, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये वाला वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये वाला सही हो रहा, सेम इसी टाइप का पैटर्न में ये करे, स्पिन कुछ भी हो रहा है, तो उस समय मैं बोल रहा हूँ हॉर्न्स रूल के अकॉर्डिंग ये तीनों सही होंगे। तो क्या कहने का मतलब है हमारा, जब तक हॉर्न्स रूल कहता है अगर आपके पास एक से ज्यादा ऑर्बिटल है तो हर एक ऑर्बिटल में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, यही क्या है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग होगा, दो मतलब पेयर हुआ ना, दो मतलब क्या होगा, पेयर। हॉर्न्स रूल कहता है अगर आपके पास एक से ज्यादा ऑर्बिटल है सबसेल में तो बोलता है हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन देना है, पेयर है, ये लाइन क्लियर है कि नहीं? हाँ। उसके बाद पेयरिंग करवाना है, तो पेयरिंग कब होगा, जब तक हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ना चल जाए। अब यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन चल गया, अब पेयरिंग स्टार्ट, ठीक है ना। अगर तुम ऐसा फील कर रहे हो, पहली पेयरिंग करवा दे रहे हो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो हॉर्न्स रूल कहता है इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग तब तक नहीं होगा जब तक हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ना चल जाए, मतलब इस ऑर्बिटल डज नॉट कंटेन वन इलेक्ट्रॉन, हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं जाता तब तक इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग डज नॉट टेक प्लेस, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट टेक प्लेस, क्लियर है? तो हॉर्न्स रूल का स्टेटमेंट यही है, द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट टेक प्लेस अंटिल ईच ऑर्बिटल कंटेन वन इलेक्ट्रॉन, जब तक हर एक ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन नहीं रखता तब तक इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग इम्पॉसिबल है। समझ में आया क्या बोले, क्लियर है? यस सर। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, नहीं सर रिपीट करो, दिमाग तक तो पसंद, हाँ वंस मोर वाले ध्यान दो। अब उनके लिए रिपीट करने के लिए सिंपल सा भाई, डी का घर है, डी के घर में कितने रूम होते हैं, रूम मतलब ऑर्बिटल,
लो अब ये नहीं बताओगे तो कहाँ से समझ आएगा फिर? डी के अंदर पांच ऑर्बिटल है, पांच ऑर्बिटल मतलब पांच रूम में पांच बेड लगे हुए, ठीक है ना? पांच रूम में कितने बेड है? पांच। तो दस लोग आए डी के घर मेहमान, डी वाले घर में दस लोग आए रहने के लिए, तो क्या बोला गया है? कोई भी एक बेड पे एक साथ दो लोग नहीं सोएंगे। कब तक? जब तक हर एक बेड में एक तक लोग ना पहुंचे, ठीक है ना? तो पहले वाले बेड पे एक, सेकंड वाले पे बेड पे एक, वन वन वन। अब है तो दस लोग, पांच लोग तो सिंगल सिंगल हो गए, अब मजबूरी है भाई, क्या करना पड़ेगा? जगह नहीं है तो अब क्या करना पड़ेगा? पेयरिंग करवाएंगे, मतलब सिक्स नंबर के इलेक्ट्रॉन सेवन एट नाइन टेन, बस यही है भाई। तो अपार रूल बताता है गरीबों का कल्याण करना, आरोहण रूल बताता है इलेक्ट्रॉन को कैसे सुलाया जाता है। इलेक्ट्रॉन को कैसे सुलाना है भाई? पी में अगर चार इलेक्ट्रॉन है तो कैसे सुलाना है? पहले सिंगल सिंगल, जा बेटा तीस रूम में रहेगा, तीस रूम में रहेगा, तीस रूम में रहेगा, चल गया सिंगल सिंगल। अब फोर्थ वाले को जगह नहीं है तो क्या करोगे? बेटा तू यहाँ पे डबल हो जा, क्लियर है? Yes. तो कोई बड़ा चीज है बताओ? No, sir. तो बस टी वाले घर में छह लोग रहने हैं, एक सर ऊपर रख के सो रहा है, एक सर कहाँ रख के रखेगा? नीचे, ठीक है ना भाई? मतलब एक क्लॉक वाइज है तो अगला कैसा रहेगा? एंटी क्लॉक वाइज, लेकिन पहले ऐसा सोएगा तो इनकरेक्ट हो जाएगा। पहले कहाँ? सब बेड पे एक एक बंदे को सुला दो, ठीक है? देखो इसको बोलते हैं टाइम पास करना। सब बेड पे एक एक लोगों को सुलाना है, फिर उसके बाद क्या करना है? पेयरिंग। जगह कम पड़ रहा है तो अब पेयरिंग भैया, अब जगह कम पड़ रहा है, एक बेड पे दो दो लोगों को सोना पड़ेगा, बस। कल में आया? Yes, sir. अरे आँख उख तो बनाने से बेचारे अंधे हैं, ये अजीब लग रहा है। क्लियर है सभी को? तो हॉर्नफुल कोई बड़ा चीज है? सिंपल सा है। क्या बोलता है हॉर्नफुल? इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग नहीं होगा। कब तक नहीं होगा? जब तक कि सब स्पेसेस में एक ही इलेक्ट्रॉन, जब तक कि हर सेल में एक इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचा। सेल नहीं बोलोगे, ये जो बॉक्स है उसको बोला जाता है ऑर्बिटल। क्या बोला जाता है? ऑर्बिटल। तो हम बोल रहे हैं सब सेल के अंदर जो ऑर्बिटल हैं, उन हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ना हो जाए तब तक पेयरिंग नहीं होगा। सब सेल, सेल ऑर्बिटल, हॉर्नफुल, पॉली और अबव, यहाँ पे एकदम ध्यान से यूज करना, ठीक है ना? नहीं तो स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। तो बोलो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग नहीं होगा ऑर्बिटल में। किसके ऑर्बिटल में? सब सेल के। कब तक? जब तक कि हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ना हो जाए। क्लियर है हॉर्न्स रूल? तो हॉर्न्स रूल बताता है सोने का तरीका, ठीक है ना सर? तो पहले सब, हाँ सर, बोलो सर, किसी का नाम है क्या बेटा? ये हॉर्न्स किसी साइंटिस्ट का नाम है? हाँ, ये साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है ना? तो दो बातें नोट करो हॉर्न्स रूल के बारे में। सर ये एडजस्ट करने का तरीका लगा मुझे। हाँ, तो हॉर्न्स रूल ने वही एडजस्ट करना, मतलब सोने का तरीका। देखो हम बच्चे लोग का याद रहे इसलिए हम लोग ऐसा, हम ऐसा बोल देते हैं। अब बाबा बोलता है गरीबों का कल्याण करना है, हॉर्न्स रूल बताता है कैसे ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल किया जाता है, मतलब ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन को कैसे सुलाया जाता है। इससे पहले क्योंकि समझा रहा था तो कई लोगों को समझ में नहीं आया, जब सोने का तरीका बताया तो देखो आलसी लोगों को कितना जल्दी समझ में आ गया। ऐसी ये बातें पढ़ना था काल्पनिक है, ठीक है ना? कोई आलसी नहीं है हमारे क्लास में, मुझे मालूम है, बस दिमाग कम यूज करते हैं कभी कभी। तो कोई बात दिल से कोई नहीं लेकर बता दे रहा हूं। दो बातें नोट करो,
द पेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, द पेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, द पेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विल नॉट टेक प्लेस. The pairing of electron will not take place in a subshell. The pairing of an electron, the pairing of an electron will not take place. The pairing of electron will not take place until each orbital of which orbital of that subshell. Each orbital of that subshell is single, ठीक है ना, occupied with parallel spin. तो किसी का वर्ड साउंड में नहीं आया तो बोर्ड पर देख लेना. द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, द पेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विल नॉट टेक प्लेस अंटिल ईच ऑर्बिटल ऑफ दैट सबसेल इज सिंगली ऑक्यूपाइड विथ पैरेलल स्पिन. तो पी में कितने बॉक्स होते हैं भाई? 3. डेफिनेशन नोट कर लियो ना सर. यस सर. पी में कितने बॉक्स हैं? 3. तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड, थर्ड. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, उसका क्या जाएगा? 4, 5, 6. ठीक है, 1, 2, 3. एक वर्ड ये जो है पैरेलल स्पिन, समझ रहे हो ना? अगर पहला इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज है तो बाद के सभी इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे? पहले एंटी क्लॉकवाइज आएंगे. पैरेलल स्पिन यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है, दिख रहा है? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज, तो सभी के सभी एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे. फर्स्ट इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है तो सभी इलेक्ट्रॉन कैसे जाएंगे? क्लॉकवाइज. तो फर्स्ट, उसके बाद सेकेंड, मतलब 4, 5, 6. यहाँ पे ऐसे कर सकते हो क्लॉकवाइज वाले. इतना क्लियर है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड. फर्स्ट क्लॉकवाइज तो सेकेंड भी क्लॉकवाइज, थर्ड भी. फोर्थ वाला भी क्लॉकवाइज जा सकता है भाई. फिफ्थ वाला भी क्लॉकवाइज जा सकता है. सिक्स वाला भी क्लॉकवाइज जा सकता है क्योंकि स्पिन पैरेलल है. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड का स्पिन पैरेलल है, मतलब एक ही डायरेक्शन में. वैसे 4, 5 और 6 इनका भी स्पिन क्या है? पैरेलल. तो ये अबाउ, सॉरी, पॉली के अकॉर्डिंग करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है. लेकिन अब मैं बता रहा हूं, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, ये नंबर है इलेक्ट्रॉन का. तो ये क्या होगा? इनकरेक्ट.
स्टार्टिंग वाला क्या है करेक्ट, सेकंड वाला भी क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन करेक्ट, थर्ड वाला भी क्या होगा करेक्ट, फोर्थ वाला भी क्या होगा करेक्ट, सॉरी इनकरेक्ट, इनकरेक्ट। करेक्ट किसके अकॉर्डिंग? करेक्ट हंट्स रूल बाय हंट्स रूल। और ये क्या है इनकरेक्ट बाय हंट्स रूल या हंट्स रूल जो अच्छा लगे तुमको। समझ में आया? तो इलेक्ट्रॉन पहले सभी इलेक्ट्रॉन एकर जाएंगे लेकिन विद पैरेलल स्पिन, ये टर्म मत भूलना, ठीक है ना, नोट कर लो, ऐसी डी में बना सकते हो, बस एक ही लिखते हैं। तो ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल जाना, साथ में सभी का स्पिन का डायरेक्शन एक जैसा, पहले क्लॉकवाइज तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज तो एंटी क्लॉकवाइज वाला भी एग्जांपल एक नोट ही कर देते हैं। फर्स्ट नंबर के इलेक्ट्रॉन, सेकेंड थर्ड फोर्थ फाइव सिक्स, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फाइव सिक्स, ये होगा इनकरेक्ट। लास्ट वाला इनकरेक्ट है, क्यों इनकरेक्ट है, क्लियर है? पहले सिंगल सिंगल फिल हुआ लेकिन सबका डायरेक्शन एक जैसा है क्या? ऐसा नहीं है, नहीं है, ये क्लॉकवाइज ये एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना, तो स्पिन पैरेलल नहीं है इसलिए इनकरेक्ट है वो। तो याद रखना इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू या बाय हंट्स रूल। तो ये था हंट्स रूल। तो इन सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो अब्बाओं ने बताया गरीबों का कल्याण कैसे करना है, मतलब गरीबों में पैसा कैसे बांटना है। यहाँ गरीब कौन है? सबसे पैसा क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन। उसके बाद हंट्स रूल क्या बताता है? किसी एक सबसेल के अंदर जितने भी ऑर्बिटल हैं, मतलब घर या रूम बोल लो, उन रूम में जितने भी बेड हैं, मतलब वही ऑर्बिटल, उनमें लोग कैसे सोएंगे? पहले सब सिंगल सिंगल सोएंगे बेड पे, जगह अब नहीं है, भर जाता है सभी रूम में सिंगल बेड, तो उस पर लोग डबल हो जाएंगे, ट्रिपल नहीं होंगे, ठीक है ना, पेयर बनाएंगे ट्रिपलेट नहीं बनाएंगे, ठीक है, डबलेट होंगे ट्रिपलेट नहीं होंगे, डबल होंगे ट्रिपल नहीं होंगे, ये याद रखना। तो क्लियर है? यस सर। यस सर। और स्पिन सबका क्या होना चाहिए? पैरेलल। सबके सब क्लॉकवाइज हो सकते हैं, सबके सब एंटी क्लॉकवाइज हो सकते हैं, सबके सब पहले इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, दूसरे इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, ये भी चलेगा, लेकिन एक बेड में दो लोग होना चाहिए विद पैरेलल स्पिन, पहले सब में। तो भूलोगे हंट्स रूल? नो सर। कोई बड़ा चीज नहीं है ना? नहीं सर, छोटी चीज है। ठीक है, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, देखते हैं।